आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्लिक द बेल आइकन, नेवर मिसिंग अपडेट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। टुडे आई मेक दिस टेस्टी एंड डिलीशियस वाइट सॉस पास्ता। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है और बनाने में बहुत ही आसान है, तो हम टाइम वेस्ट के बगैर इसे बनाने के लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें जी स्टार्ट करते हैं। पहले आपने एक पैन में 1 टेबलस्पून बटर डाल देना है, फिर उसे अच्छे से मेल्ट कर लें। देन आपने इसमें 1 टेबलस्पून मैदा डाल देना है। अब मैदे और मक्खन की आपस में अच्छे से दोस्ती करवा दें, इनको अच्छे से मिक्स कर लें। आफ्टर मिक्स इट आपने इसमें 1 ग्लास मिल्क ग्रेजुअली ऐड करना है। अब हमने आधा ग्लास दूध का डाल दिया है, तो आपने फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतना अच्छे से मिक्स करें कि इसमें कोई भी लंप ना बने। जो मैदा और मक्खन था वो आपस में मिक्स हो गया था, फिर अपने दूध को भी इन दोनों चीज़ों में अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आपने बाकी का आधा ग्लास दूध इसमें डाल देना है और नीचे से चम्मच हिलाते जाना है। अब आपने इसे अच्छे से पकाना है ताकि जो इसका टेक्सचर है वो क्रीमी फॉर्म में आ जाए। आफ्टर मिक्स इट आपने इसमें डालनी है 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च। देन अगेन इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। एंड याद रहे, आपने इस सॉस को लो फ्लेम पे ही कुक करना है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। देन ऐड 1/2 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला। अब आपने फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यू कैन सी दैट ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है, इसमें कोई भी लंप नहीं है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 ग्लास मिल्क। हमने इस सॉस में 2 ग्लास मिल्क ग्रेजुअली ऐड किए हैं। देन ऐड 1 टीस्पून ओरिगानो। अगेन इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आपने इसे एटलीस्ट 5 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है। आफ्टर 5 मिनट्स आपने इसमें 1 कप क्रीम डालकर फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऑल इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद आपने इसे तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से कुक करना है ताकि जो इसका टेक्सचर है वो क्रीमी फॉर्म में आ जाए। आफ्टर 10 मिनट्स यू कैन सी दैट आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। वाइट सॉस तैयार हो चुकी है पास्ते की असेंबलिंग के लिए। तो फिर चलें आए चिकन बनाने के लिए चलते हैं। अब आपने एक पैन में थोड़ा सा घी डाल देना है, फिर आपने उसमें चिकन क्यूब्स डाल देने हैं। चिकन क्यूब्स को मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। जिन इंग्रेडिएंट्स को लगाकर मैंने इस चिकन को मैरिनेट किया है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेव दिस इंग्रेडिएंट्स। और इस चिकन को मैंने 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके रखा हुआ था। एड सम वाटर ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन और येलो कलर की कैप्सिकम। देन अगेन ऐड सम वाटर ताकि जो वेजिटेबल्स हैं वो भी अच्छे से गल जाएं। अब आपने इस चिकन को तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है। आफ्टर 5 मिनट्स यू कैन सी दैट अल्हम्दुलिल्लाह चिकन तैयार हो चुका है। तो चले आए पास्ते की असेंबलिंग के लिए चलते हैं। अपने इस तरह की डिश ले लेनी है और फर्स्ट उस पर वाइट सॉस की लेयर अप्लाई कर देनी है। व्हाइट सॉस की लेयर अप्लाई करने के बाद आपने इस पर क्रश्ड मोज़रेला चीज़ की लेयर अप्लाई कर देनी है। अब आपने बॉइल्ड मैक्रोनी की लेयर अप्लाई कर देनी है। आप स्लांटी वाला पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं गाइस, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस। अब इन मैक्रोनी के ऊपर आपने चिकन क्यूब्स की लेयर अप्लाई कर देनी है। देन चिकन क्यूब्स के टॉप पर आपने व्हाइट सॉस की लेयर अप्लाई कर देनी है। देन अगेन क्रश्ड मोज़रेला चीज़ की लेयर लगा दें और उसके बाद बॉइल्ड मैक्रोनी की एक लेयर लगा दें। फिर बॉइल्ड मैक्रोनी के ऊपर अगेन चिकन क्यूब्स की लेयर लगा दें और चिकन क्यूब्स के टॉप पर अगेन आपने वाइट सॉस की लेयर लगा देनी है। लास्ट में आपने इसकी टॉपिंग के लिए बहुत सारी क्रश्ड मोज़रेला चीज़ लगा देनी है और आपने ग्रीन और येलो कलर की कैप्सिकम लगा देनी है फिनिशिंग के लिए। देन आप लगा दें केचप और लगा दें ऑलिव्स और आपने फिर लास्ट में इस पर ओरिगानो स्प्रिंकल कर देना है। नाउ पास्ता तैयार हो चुका है लेकिन बेक करने के लिए। अब आपने एक कढ़ाई ले लेनी है, उसके नीचे उसके अंदर आपने सॉल्ट डाल देना है और उसके ऊपर रख देना है स्टैंड रैक और उसके ऊपर पास्ते की डिश रख दें और इसे कवर कर दें 1/2 घंटे के लिए। 1/2 घंटे बाद यू कैन सी दैट पास्ते की जो चीज़ है वो मेल्ट हो चुकी है। माशाल्लाह ज़बरदस्त सा पास्ता तैयार हो चुका है खाने के लिए। ये वाइट सॉस पास्ता जितना देखने में मज़ेदार लग रहा है खाने में भी उतना ही मज़ेदार है।
इसे बच्चे और बड़े दोनों बहुत शौक से खाते हैं। सो इस पास्ते की रेसिपी को आप सब अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आता है जी रिव्यू टाइम। यू कैन सी दैट ये कितना क्रीमी और कितना चीज़ी पास्ता बना है। OMG। अब मैं खाकर बताती हूँ कि ये किस तरह का बना है। इट्स सो टेस्टी एंड सो डिलीशियस। अल्लाह पाक आप सब पर अपना करम करे। आमीन सुमामीन। हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।